हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको फिर से नए डिज़ाइन का डोरमेट बनाना बताऊंगी। जिसे बनाने के लिए फ्रेंड हमने दो कलर की फूल ली है, एक हमने वाइट कलर और एक मैंने पिंक कलर लिया है, और 9 नंबर की मैंने इसमें फ्रेंड सलाई ली है। तो मैं इसे बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो देखो, मैं इसे फिश वाली, जैसे फिश का शेप होता है, उस शेप में आपको बनाना बताऊँगी। तो चलो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसको मैंने एक फंदा इस तरह से डाल लिया, तो एक ही फंदे से हम इसको बनाएंगे। तो एक फंदा डालने के बाद हम वूल को इस तरह से घुमाएंगे सलाई के ऊपर से, तो एक फंदा हमारे इस तरह से बढ़ जाएगा। एक फंदा बढ़ गया, फिर से हम इसको उल्टी साइड से भी इसी तरह घुमाएंगे सलाई के ऊपर से। ये देखो, तो एक फंदा हमारा इधर से बढ़ गया। फिर से हम इसी तरह सलाई के ऊपर से वूल को घुमाएंगे। ये देखो, एक फंदा हमारा फिर से बढ़ गया। हमने दोनों साइड से इसी तरह फंदे बढ़ाने हैं सलाई के ऊपर से वूल को घुमाते हुए। ये देखो, ये देखो इस तरह से वूल को सलाई के ऊपर से घुमाएंगे, इस तरह से बनाएंगे। ये देखो, इस तरह से वूल को सलाई के पीछे से इस तरह से घुमाएंगे। दोनों साइड से इसी तरह हमने फंदे बढ़ाने हैं। अब हम इधर से भी सेम इसी तरह बढ़ाएंगे, इस तरह से फूल को सलाई के ऊपर से घुमाएंगे। इस तरह से तो मैं इसी तरह इसको बना लेती हूँ आगे तक, फिर आपको आगे दिखाऊंगी। तो देखो फ्रेंड, हमने इस तरह से इसमें फंदे बढ़ा लिए हैं। 10 रो हमने बनाई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 रो बना के मैंने फंदे बढ़ा के बना लिए हैं। अब हम यहाँ से फंदे घटा, 8 रो बनाने के बाद मैं फंदे घटाऊंगी, तो 2 का एक फंदा करूँगी। ये देखो, 2 फंदे एक साथ लेंगे, 2 फंदे एक साथ लेंगे, एक फंदा हमारा घट जाएगा। तो दोनों साइड से हमने इसी तरह फंदे घटाने हैं। लास्ट के 2 फंदे रह गए, 2 इन फंदों को दोनों को एक साथ बनाएंगे, तो एक फंदा हमारा कम हो जाएगा। तो एक फंदा इधर से कम किया, एक फंदा इधर से, तो इसी तरह हमने ये हमारी उल्टी साइड है, उल्टी साइड पर हमने पूरी सिलाई को इसी तरह उल्टा बनाना है। सीधी सिलाई पे दोनों साइड से एक एक फंदा घटाते जाएंगे।
फिर से हम दो फंदों का पिक करेंगे। ये देखो दो फंदे एक साथ लेके एक फंदा हमारा कम हो जाएगा, एक फंदा घट गया, आगे के सारे फंदों को इसी तरह बनाएंगे। दोनों फंदों का दो फंदे एक साथ लेंगे, एक फंदा हमारा घट जाएगा उल्टी सिलाई। इसी तरह मैं फंदे आगे तक घटा लेती हूँ जिस तरह से मैंने ये फंदे बढ़ाए। तो चलो फिर आपको आगे दिखाएंगे। तो देखो फ्रेंड, हमने इस तरह से फंदे घटाते हुए एक फंदा हमने यहाँ से दोनों साइड से हमने फंदे घटाए, तो लास्ट का हमारा एक फंदा रह गया है, इसको हमने यहीं पर रोकना है। अब हम यहीं से फंदे उठाएंगे। किस तरह से हमने फंदे उठाने, एक तो देखो फ्रेंड, हमने इस तरह से फंदा उठाने हैं, एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह और ये हमारा जो फंदा है, ये हमारे चौदह फंदे हमने उठा लिए फ्रेंड। ये हमने जो फंदा यहाँ से बंद किया था, इसको इस तरह से चौदह पंद्रह, ये देखो पंद्रह फंदे हमने इधर के उठाए, पंद्रह फंदे हम इधर से उठाएंगे इसी तरह। पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस उन्नीस बीस देखो फ्रेंड, हम इस तरह से फंदा बढ़ाएंगे वूल को सिलाई के ऊपर घुमाते हुए। देखो फ्रेंड, इस तरह से हमने वूल को घुमाएंगे सिलाई के ऊपर, ये देखो। तो हमारे इस तरह से फंदे बढ़ते चले जाएंगे, दोनों साइड से हमने फंदे इसी तरह बढ़ाने हैं।
फिर से इसी तरह सिलाई के ऊपर घुमाएंगे। ये देखो इस तरह से, तो देखो फ्रेंड हमने इस तरह से इसको फंदे बढ़ाते हुए दोनों साइड से इसी तरह हमने फंदे बढ़ाने सिलाई के ऊपर से घुमाते हुए। ये देखो इस तरह से, फिर से हमने इसी तरह सिलाई के ऊपर घुमाएंगे, फिर से हमारा एक फंदा बढ़ जाएगा। तो इसी तरह हमने फंदे बढ़ाते हुए ऊपर तक आ जाते हैं, फिर आपको आगे दिखाऊंगे। तो देखो फ्रेंड हमने इस तरह से इसको बना के तैयार कर दिया है। ये देखो ये देखो, तो देखो फ्रेंड मैं यहां से अपना कलर चेंज करूंगी। अब मैं अपना ये व्हाइट कलर लगाऊंगी। ये देखो हमने अपना व्हाइट कलर लगा दिया है। अब हमने दो फंदे हम वाइट के बनाएंगे, ये हमने उल्टी साइड से लगाया। दो फंदे हमारे वाइट के रहेंगे और दो फंदे हमारे पिंक कलर के। इसी तरह हमने इसमें डिजाइन डालेंगे। ये देखो इस तरह से दो फंदे वाइट के और दो फंदे हमारे पिंक के रहेंगे। तो इस तरह से मैं इसमें डिजाइन डालूंगी। इस सिलाई पे हमने कोई भी फंदा नहीं बढ़ाया, बिना फंदे वाली सिलाई को हमने इसी सिलाई को कोई फंदा ना बढ़ा के बनाना है। ये देखो फ्रेंड, अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरा ये डोरमेट आपको कैसा लगा। ये देखो लास्ट का फंदा एक है, इसको भी हम पिंक से बना लें। तो ये देखो हमने पूरी सिलाई को दो फंदे वाइट के, दो फंदे पिंक के इस तरह से बना लिए हैं। अब हमारा जिस तरह से हमने फंदे इधर से बढ़ाते गए थे, अब हम फंदे इधर को घटाते जाएंगे। तो एक सिलाई तो हमने इसको इसी तरह उतार लिया है
कोई ना फंदे बढ़ाते। इसी तरह उतारने के बाद अब ये हमारी सीधी सिलाई है, इधर से हमने कोई फंदा नहीं बढ़ाना है, इसको हमने इसी तरह उतार लेना है। सीधी साइड हमारी वो ही रहेगी, जो फंदा जैसा रहेगा उस कलर से ही हम बनाएंगे। इसको वूल को पीछे करेंगे, वाइट कलर की वूल को आगे लाएंगे। इस सिलाई को हमने इसी तरह बनाना है, कोई फंदा बढ़ाते नहीं और ना घटाते हुए। ये देखो वूल को आगे करेंगे, जो फंदा जैसा है उस कलर से बनाएंगे। वूल को पीछे करेंगे, वाइट कलर की वूल को आगे लाएंगे। अब इसको भी पीछे करेंगे, वाइट पिंक वाली को आगे लाएंगे। देखो पूरी सिलाई को इस तरह से बना लिया है। हम फिर से अपनी उल्टी सिलाई पे आ चुके हैं, तो यहाँ से हम फंदे घटाते चलेंगे। तो किस तरह से हमने दो फंदे एक साथ दो फंदों को एक साथ लेंगे, ये देखो दोनों फंदों को एक साथ लेके इन्हों को हम इस तरह से घटा देंगे। एक फंदा हमने घटा दिया, आगे के ये हमारा पिंक वाले, इन्हें हम वाइट से बनाए। ये देखो अब हमारे व्हाइट वाले फंदे आ चुके हैं, इन्हें हम पिंक से बनाएंगे। ये देखो अब हमारे ये पिंक वाले, इन्हें हम व्हाइट से बनाएंगे। अब हमारे ये व्हाइट वाले, इन्हें हम पिंक से बनाएंगे। ये हमारे व्हाइट पिंक वाले, इन्हें हम व्हाइट से बनाएंगे। ये हमारे व्हाइट वाले, इन्हें हम पिंक से बना। लास्ट में आ चुके हैं। ये देखो तो हम फिर से दोनों फंदों को इस तरह से लेंगे और एक फंदा इस तरह से बनाएंगे, तो एक फंदा हमारा कम हो जाएगा। तो एक फंदा हमारा इधर से भी घट गया, एक फंदा हमारा इधर से भी घट गया। दोनों साइड से हमने एक एक फंदा घटा दिया। अब हम फिर से जो अब हम सीधी सिलाई पर आ चुके हैं, उल्टी सिलाई पर हमने दोनों साइड से एक एक फंदा घटा दिया है। अब हमने क्या करना है, जो फंदा जैसा है इसको उसी कलर से बनाएंगे। वूल को पीछे करेंगे,
व्हाइट कलर की वूल को आगे लाएंगे। ये देखो ये पिंक वाले फंदे हम पिंक से बनाएंगे। ये देखो जो व्हाइट वाले फंदे हैं उन्हें हम व्हाइट से बनाएंगे, ये हमारी सीधी सिलाई रहेगी। जो पिंक वाले फंदे हैं उन्हें हम पिंक से बनाएंगे। तो सीधी सिलाई पे जो फंदा जैसा है उस कलर से ही बनाएंगे। ये देखो उल्टी सिलाई पे हमने फंदा चेंज करना है, बस व्हाइट वाले पिंक से और पिंक वाले व्हाइट से, और एक एक फंदा दोनों साइड से घटाते जाना है। देखो आगे करते हुए ये देखो अब हम वूल को पीछे करेंगे, व्हाइट वाली वूल को आगे लाएंगे। तो देखो फ्रेंड इस तरह से इसमें डिजाइन बन के आएगा। ये देखो दोनों साइड से हम एक एक फंदा घटाते हुए अब हमने फिर से दो फंदे एक साथ लेंगे, एक फंदा हमारा घट जाएगा उल्टी साइड से। अब ये हमारा आगे के फंदे हमारे पिंक वाले, इन्हें हम व्हाइट से बनाएंगे। इधर से कलर चेंज करेंगे उल्टी साइड से ही। दोनों साइड से इसी तरह फंदे घटा लें। तो चलो मैं इस तरह से सारे फंदे घटा लेती हूँ, फिर आपको आगे दिखाऊंगी। देखो फ्रेंड हमने इस तरह से इसमें फंदे घटाते आए। अब हम यहाँ से अपना ये व्हाइट कलर बंद करेंगे और खाली हम अपना पिंक कलर लगाएंगे। उल्टी साइड से ही हमने कलर चेंज करना है फ्रेंड। ये देखो फ्रेंड अब हमने अपना ये पिंक कलर लगा दिया है और इन्हीं से हम अपने फंदे घटाएंगे दो का एक करते हुए। दो दो फंदे हमने दोनों साइड से घुमाने घटाने, दो फंदे हमने इधर से घटाए और दो फंदे हम अपने इधर से घटाएंगे। ये देखो दो फंदे हमने इधर से घटाने, एक फंदा घटा चुके। ये देखो हमने घटा दिए। अब हम उल्टी सिलाई पे भी इसी तरह घटाएंगे, दो दो फंदे दोनों साइड से हमने घटाने हैं। सीधी सिलाई से भी हमने दो फंदे घटा लिए और उल्टी सिलाई से भी हमने दो दो फंदे घटाने। अपना वाइट कलर को बंद करने के बाद खाली हम पिंक कलर से बनाएंगे, जिस तरह से हमने आगे का डिजाइन इसमें पिंक कट डाला है। तो देखो फ्रेंड हमने इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 सिलाइयां हमने ये यहाँ से अपने पिंक कलर की बनाई। अब हम यहाँ से फंदे बंद करेंगे दो का एक करते हुए। दो फंदे एक साथ लेंगे, दोनों को एक साथ बनाएंगे, वापस सिलाई में डालेंगे इस तरह से।
ये देखो इस तरह से। तो हमने सारे फंदे बंद कर दिए हैं, यहीं से नॉट्स लगा देंगे। तो देखो फ्रेंड इस तरह से ये इस तरह से बनके तैयार हो जाएगी। ये मैंने आपको फिश वाले डिजाइन में बनाना बताया डोरमैट। तो आप इससे बड़ा बनाएं तो यहाँ से फंदे सेम डालें, फंदे बढ़ाते चले जाएं। इसमें जितने फंदे आप बढ़ाने हैं शुरू में यहाँ से बढ़ा लें, और यहीं से बड़ा करने के बाद फिर यहाँ से फंदे घटाते जाएं, फिर यहाँ से मैंने फंदे यहाँ से फिर मैंने यहाँ से बढ़ाए। तो इस तरह से बनाते हुए मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। तो अब फ्रेंड आपको ये डोरमैट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।